चलिए अब खबरों वाले स्टॉक्स की चर्चा शुरू करी जाए। अपन ने बढ़िया ट्रेड वेट्स तो ले लिए। हर्षदा, आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगी। पहले एक काम करे जाए, वायदा वाले सारे रिजल्ट्स एक एक करके मैपिंग कर ली जाए और एक्सपर्ट, क्योंकि निफ्टी का कोई नंबर नहीं आना था, जो आना था वो कल आ चुका। वायदा वाले सारे नंबर्स पे चर्चा करनी है। पहले डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे चला जाए और इस पे गावा सर आप चार्ट रेडी रखना, डिक्सन के चार्ट पे आपके पास आता हूं। हर्षदा, कैसे लग रहे हैं नंबर्स? नंबर्स परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी कैटेगरीज में कुछ प्रेशर बनता दिखाई दिया है, इसीलिए नंबर्स उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। वैसे आप देखेंगे 25% तक का इजाफा देखने को मिला है प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े में, नियरली 99 करोड़ का ये फिगर है। हाउएवर 100 करोड़ के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट। रेवेन्यू 52% बढ़कर आया 4,658 करोड़ के आसपास। साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें, एबिटा में करीब 17% तक का इजाफा देखने को मिला, 183 करोड़ पर यह फिगर है, और मार्जिन ये इन लाइन आए हैं 4% के आसपास। इनके मोबाइल बिजनेस ने सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, वहां पर हमने देखा एक अच्छा खासा ऑफटेक नजर आ रहा है, अच्छी खासी ऑर्डर बुक पर कंपनी ट्रेड कर भी रही है। नंबर्स दिक्कत ये हो गई, टॉप लाइन मिस था, वो पूरा परकुलेट होता चला गया। अपने आप में टॉप लाइन 50% बढ़ा भाई साहब, लेकिन स्ट्रीट का मोटा मोटी एक्सपेक्टेशन थी 70-75% बढ़ने की, वो ठंडा पड़ा तो सब नीचे तक ठंडा पड़ गया। और प्लस इन स्टॉक्स में क्या दिक्कत होती है ना, जो 4-5% वाले मार्जिन में काम कर रहे होते हैं उनमें लॉटरी होती है, मतलब 10 बेसिस पॉइंट 20 बेसिस पॉइंट भी इधर उधर मार्जिन अगर हो गए तो बॉटम लाइन पे बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आता है उसका, तो इसके लिए। लेकिन एक चीज़ जो मैं कह रहा था आपको, इस स्टॉक के लिए एक बड़ा इम्पैक्ट होगा अगर सेम गवर्नमेंट वापस आई तो, क्योंकि फिर पीएलआई वगैरह पे बस वो पीएलआई, जैसे मैंने आई थिंक 6 महीने पहले एक बात कही थी कि देश को 10 डिक्सन चाहिए इस समय, क्योंकि वो पीएलआई मेक इन इंडिया उसके लिए, जो मार्केट इतनी बड़ी है इंडिया में तो उसके हिसाब से, तो एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में तो ये स्टॉक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे ख्याल से आज अगर कोई वीकनेस आएगी आज या अगले 2-3 दिन में तो उसको स्ट्रीट एज पॉजिटिवली एज बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करने वाला है, लेकिन काफी चल चुका है ये स्टॉक, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाँ। गावा सर, चार्ट्स पे कैसा प्लेस डिक्सन टेक? काफी दौड़ा था, करीब 3 हफ्ते से एक साइडवेज जोन पर है, थोड़ा बेरिश बायस है, स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। खरीदने की दो जगह है, या तो फिर 7,500 के आसपास वहां पर सपोर्ट मिलता है, या फिर 8,500 पार कर ले है साइडवेज जोन, स्लाइटली बेरिश प्राइस में अवॉइड कर दूंगा जब तक 8,500 पार नहीं करता या फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ना मिल जाए। देख सकते, ये हो गया पहला वायदा का नंबर। दूसरा, पेंट कंपनी बर्जर पेंट्स। अमित सेठ साहब, आपके पास आता हूं बर्जर पेंट्स पे चर्चा करने के लिए। हर्षदा, नंबर्स कैसे लगे? मुनाफे में 19.5% तक की वृद्धि देखने को मिली है, तो वहां पर हमने देखा है परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ, करीब 223 करोड़ के आसपास का फिगर है। रेवेन्यू फ्लैटिश है, यहां पर 2520 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने डिलीवर किया है। एबिटा और मार्जिन फ्रंट पर आप देखेंगे हल्का हल्का दबाव आता हुआ, एबिटा में करीब 5% का कॉन्ट्रैक्शन है, तो मार्जिन भी दरअसल कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। क्लियरली सीमेंट ये पेंट स्पेस में वो बिरला ओपस का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉम्पिटिशन इंटेंसिफाई हुआ है और मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। HSBC का बाय कॉल है 600 का टारगेट, लेकिन मॉर्गन स्टैनली और नोमरा अंडरवेट और रिड्यूस का कॉल दे रहे हैं और इनके टारगेट 450 से 423 तक आ गए हैं। ओके, ये है बर्जर पेंट्स। सेठ साहब, चार्ट्स पे कैसा लग रहा है इस समय? जी आशीष जी, ओवरऑल अगर स्टॉक देखे तो डाउन ट्रेंड में ये सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट हैविंग सेड दैट यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल आ गया, तो वीकली चार्ट्स में तो ऑलमोस्ट एक सपोर्ट पे है। लेकिन अगर कहें कि रिलीफ रैली अगर 500 के ऊपर चले जो इसका लास्ट लोअर हाई है, तो तब लगेगा कि हाँ एक बार यहाँ पे जो सेलिंग थी वो कंप्लीट हो गई। तो अगर 500 के ऊपर जाए तब एक पोजीशन बनाई जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 485-490, नहीं तो हम स्टॉक को एक बार अवॉइड करेंगे, रिजल्ट का रिएक्शन देखेंगे। इनफैक्ट ऐसे स्टॉक्स जो लाइफ टाइम हाई वाली मार्केट में 52 वीक लोज पर हैं, एशियन पेंट्स में भी यही था, इवन बर्जर पेंट्स में भी यही, और ये मेरे ख्याल से एक क्लियरली जो कंपटीशन है ना अब वो हर्ट कर रहा है। पहले JSW पेंट्स और अब ग्रासिम वाला, आई थिंक बड़े प्लेयर्स, दो बड़े प्लेयर्स को लगा होगा कि इतनी बड़ी मार्केट है इसमें घुसा जाए और क्यों नहीं, इतने स्ट्रांग मार्जिन पे स्टॉक्स ट्रेड करते हैं। एक बार गौरांग से भी व्यू ले लेते हैं। गौरांग जी, गुड मॉर्निंग। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या इस वीकनेस में बाय करें या अभी अवॉइड करें? इन स्टॉक्स ने बहुत पैसा बनाया पिछले 10-15 साल में, लेकिन अब फाइनली थोड़ा सा रियलिटी चेक। आपको भी शुभ प्रभात अनुज भाई। तो खरीदारी की सूची में है बर्जर पेंट, कांसा इनारोलेक और एशियन पेंट्स,
और अनुज एक बात मैं कहना चाहूंगा कि प्रतिस्पर्धा आती है तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि दो तीन तरीके से इसका फायदा होता है। एक तो जो पेड क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा हो रही है उसके कारण कंपनी अपना कामकाज और ठीक रूप से करेंगे। पेंट के दाम मेरे ख्याल से कॉम्पिटिटिव एज रखना चाहेंगे हर कोई, और दूसरी तरफ मेरे ख्याल से प्रोडक्ट ऑफरिंग जो है वो काफी बेहतर हो सकता है। और ये एक बहुत बड़ा मार्केट है अनुज भाई, ऐसा नहीं है कि प्रतिस्पर्धा आने से किसी कंपनी का काम बहुत ही कम हो जाएगा या एकदम नतीजे ठप आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। मौका सबको मिलेगा। और एक चीज है, अगर आपने एशियन पेंट्स या बर्जर पेंट्स या फिर कंसाई नैरोलैक का पेंट आपने अपने घरों में उपयोग किया होगा इसका, तो आपकी एक मंशा होती है कि आप फिर से लौट करके उसी नाम के पास जाना चाहते हैं। नई कंपनी का पेंट आजमाने के लिए मेरे ख्याल से आपके पास इतना रिस्क आप लेंगे नहीं लेंगे आपके ऊपर है, लेकिन यू नो देयर इज अ ब्रांड लॉयल्टी जो ये तीन कंपनियों के पास है। बट यस, कॉम्पिटिशन डेफिनेटली इज एक्साइटिंग। कॉम्पिटिशन एक्साइटिंग है, इस समय थोड़ा सा पेन है। अच्छा, वॉल्यूम का आंकड़ा बढ़िया था 14%, फिर सबको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? ये वॉल्यूम जो बढ़ा ना, वो बेसिकली लो वैल्यू प्रोडक्ट्स की सेल्स पड़ी, हाई वैल्यू वाला थम गया, और इसीलिए मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए। तो इंटरनल्स रूरल अच्छा कर गया, इंटरनल्स गड़बड़ा गए। अब आइए अगला स्टॉक, वो वायदा का, वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग, सतपुते साहब आप रेडी रखो, आता हूं आपके पास। हर्षदा कैसे लग रहे हैं नंबर्स? प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा प्रेशर है, 7.5% का डिप देखने को मिला है, 1091 करोड़ के आसपास ये फिगर आता हुआ दिखाई दिया है। ब्याज से आय में करीब 12% तक की वृद्धि देखने को मिली है। एसेट क्वालिटी कंपनी की बेहतर हो चली है, 3.31% के आसपास का ग्रॉस एनपी आया है वर्सेस 4.26%। साथ ही अगर आप डिसबर्समेंट के नंबर ब्रेकअप देखेंगे तो वहाँ पर ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में पिकअप है, करीब 8,232 करोड़ का डिसबर्समेंट। ईयर ऑन ईयर आपको ये नियरली 14% ऊपर दिखाई देगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर देखेंगे तो वहाँ पर 20% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसका मैनेजमेंट जुड़ेगा आज 10:30 बजे के आसपास आवाज पे, तो जुड़िएगा, रिजल्ट्स के और इंटरनल्स और आउटलुक पे चर्चा हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ट्रेड तो 9:15 पे शुरू हो जाएगा। सतपुते साहब कैसा लग रहा है ये? वैसे जी मुझे लगता है कि रिजल्ट के पहले LIC हल्का हो चुका है, करीबन 690 के आसपास का हाई था, मैं फ्यूचर लेवल की बात कर रहा हूँ, तो 690 से ये थोड़ा करेक्ट हुआ है, 610 620 के आसपास ये सपोर्ट फॉर्म कर रहा है, बेस फॉर्म कर रहा है। तो ओवरऑल अगर आप इसका देखें तो कंसोलिडेशन है इस लेवल के आसपास, तो जब तक मोटा मोटी 600 के ऊपर ये मेंटेन करता है तब तक कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट आज 640 का लेवल देखे, अगर 640 ये जो इसका रेजिस्टेंस है ये निकल जाए तो फिर मुझे लगता है एक अच्छी रैली मिलेगी, कम से कम 670 तक का मुंह मिलेगा, तो 640 के ऊपर 670 तक की जगह बनेगी। ठीक है, रिजल्ट से पहले ऑलरेडी पेन है, वैसे ये अंडर परफॉर्मर रहा भी है, पेन आ चुका है, अब देखते हैं खराब या मिले जुले नंबर्स पे अब एक्चुअली कैसा रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद रिविजिट कर लेंगे अगर मूव्स बड़े हुए तो। मानस, एक और वायदा का नंबर, 4 आने थे, IEX, आप जरा चार्ट रेडी रखना। हजदा कैसे लग रहे हैं? IEX के केस में आशीष अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर परफॉर्मेंस में डे हेड मार्केट में पिकअप देखने को मिला, प्रॉफिटेबिलिटी करीब करीब 10% बढ़कर आई है, 97 करोड़ पर 13% तक की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। वॉल्यूम्स इस पारी करीब 14% बढ़कर आए हैं FY24 में ओवरऑल, हालांकि मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए जरूर दिखाई दिए हैं, और EBITDA में करीब करीब 12% तक का पिकअप देखने को मिला है। वैसे अगर आप ध्यान दें, एक अदर इनकम का फैक्टर भी है जो करीब करीब 28 करोड़ के आसपास वो फिगर आता हुआ दिखाई दिया है। इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम्स कुल मिलाकर करीब 15.5% के आसपास बढ़ी हैं, और टोटल वॉल्यूम्स में 14% तक का इजाफा देखने को मिला है। डे हेड मार्केट में प्राइसिंग जो है वो थोड़ी सी घटी है, करीब 12% तक का करेक्शन देखने को मिला, और अब करीब ₹5.24 प्रति शेयर के आसपास है। हाँ, इसके ऑपरेशनल अपडेट्स मंथली आए भी थे, ठीक है नंबर्स। मानस, IEX कैसा लग रहा है चार्ट्स पे भाई? काफी रिटेल फंसा हुआ है, एक समय 300 के भाव दिखा रखे हैं स्टॉक ने, और सब रिटेल फंस गए थे, क्या करना है आशीष जी? यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है, कंसोलिडेशन दिख रहा है, 20-day मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस दिखता है, तो खरीदारी केवल ₹150 के ऊपर करेंगे, और ₹150 के ऊपर भी आप 10-12 रुपए की ही उम्मीद कर सकते हैं। नीचे की तरफ 140 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजिशन है
तो 140 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अगर आप ब्रॉडली भी देखें, बड़े चार्ट्स पे भी देखें, बड़े टाइम फ्रेम पे, तो भी अगर देखेंगे तो पिछले दो साल में स्टॉक ने कुछ खास किया नहीं है। 175 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी 175 के ऊपर स्टॉक बुलिश होगा और नीचे की तरफ 130 के आसपास एक सपोर्ट बना हुआ है। तो आई थिंक कोई खास ट्रेंड दिखता नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो 150 रुपए के ऊपर ही खरीदारी करनी चाहिए। तो भाई साहब मत कूदिएगा इस पे, अनटिल एंड अनलेस 150 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी पर चलना शुरू हो तब तक खरीदारी का मन नहीं, अवॉइड है ये काउंटर। अच्छा, आज का इलेक्शन सिलेक्शन का टीजर दे दूं, आज अपन चलेंगे गौरांग सर के पास और रचना जी के पास, इन दोनों से जानेंगे पोजिशनली या फिर फंडामेंटली क्या पसंद आ रहा है इन एक्सपर्ट्स को, वो लेकिन आगे लेकर आऊंगा। पहले आज के गुड बैड अगली, यानी कि आप बचे हुए सारे कैश के इंटरेस्टिंग नंबर्स और ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड आपकी स्क्रीन्स पे। हर्षदा कौन कौन से? कई सारे नंबर्स है आशीष, शुरुआत अच्छे परफॉर्मर्स के साथ करेंगे। टीटागढ़ अच्छी कैटेगरी में है, जहां पर मुनाफे में करीब करीब 64% का इजाफा, आय 8% बढ़ी है, बिट्टा लेवल पर भी 26% का इजाफा, मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं। TCI के केस में मुनाफे में करीब 25% का इजाफा है, रेवन्यू 10% बढ़कर आया, बिट्टा फ्लैट है लेकिन मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए। मैनकाइंड फार्मा का परफॉर्मेंस अच्छा है, मैनकाइंड के केस में दरअसल 65% का इजाफा प्रॉफिट में, 20% के आसपास तक की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिली है, 42% इनका एबिटा बढ़ा है, तो मार्जिन में एक्सपेंशन करीब 400 बेसिस पॉइंट का। सोमानी सेरेमिक्स के केस में 27% प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, 9% कंपनी की रेवेन्यू बढ़ती हुई दिखाई दी और वहां पर भी एबिटा परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। हनीवेल ऑटोमेशन के लिए एक अच्छा क्वार्टर उभर कर आया, भले ही आपको मुनाफे में करीब इनफैक्ट मुनाफा 32% बढ़ा है और रेवेन्यू 12% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, ये उल्टा लिख दिया है, यहां पर एबिटा ग्रोथ भी अच्छी खासी है, इधर मार्जिन थोड़े से एक्सपैंड होते हुए दिखाई दिए हैं। NCC के केस में भी करीब करीब 25% प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ है, 31% तक की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिली है। HPL इलेक्ट्रिक के केस में प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और रेडिंगटन के केस में हमने देखा है मुनाफा 10% बढ़ा है तो रेवेन्यू करीब करीब 3% बढ़ता हुआ दिखाई जरूर दिया है। जहाँ पर थोड़ा सा फीका परफॉर्मेंस है वहाँ पर आप नेवली लिग्नाइट को जोड़ेंगे, रेवेन्यू जो है वो करीब करीब 31% घटा है, ये आई थिंक टेबल स्वॉप हो गए हैं, लेकिन नेवली, जिंदल स्टेनलेस, संदूर मैंगनीज और मॉइल के नंबर्स में कुछ कुछ प्रेशर देखने को मिला है। ये हैं थोड़े से थके नंबर्स। बैती साहब जरा NLC इंडिया देखिएगा, इसका एग्जीक्यूशन चैलेंजेस सिग्निफिकेंट थे क्योंकि इसका EBITDA 65% गिर गया। कैसे लग रहे हैं चार्ट्स पे NLC? रचना जी, एक चार्ट चेक हो जाएगा, मैनकाइंड फार्मा नंबर्स स्ट्रॉन्ग डिलीवर करें इस कंपनी में। जी बिल्कुल हो जाए, और मैनकाइंड फार्मा की जहां तक बात है तो यहाँ पे चार्ट्स के हिसाब से तो थोड़े दिन से करेक्शन चल रहा है, वैसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में रहा है काउंटर, बट यहाँ पे फिलहाल इम्पोर्टेंट एवरेज इसके नीचे है ये काउंटर, और इसमें स्ट्रेंथ अब तभी बनती दिखाई देगी जब ये काउंटर 2250 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। जब तक 2250 को क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पे थोड़ी वीकनेस है और वो बनी रहेगी, डाउनसाइड पे ये फर्दर डाउन भी जा सकता है अगर ये 2140 को तोड़ेगा। तो जब तक 2140 एंड 2250 के बीच में रहेगा तब तक कंसोलिडेशन कर रहा है और करता रहेगा एट करंट लेवल्स, तो फिलहाल साइडवेज कह सकते हैं इसको, सो इट इज अवॉइड। या तो ये ऊपर जाए 2250 के तो हम बाय करेंगे, या तो ये 2140 को तोड़े तो हम इसको सेल करेंगे, अदरवाइज इट इज एन अवॉइड। ओके, ये है मैनकाइंड, नंबर्स अच्छे हैं, देखते हैं रिएक्शन कैसा देता है दरअसल आज ये काउंटर। महिंद्रा एंड महिंद्रा रेडार पे आज नतीजा आने, इस रीजन से कुछ और भी है? आज
नंबर्स आएंगे आशीष, उस लिहाज से तो स्टॉक रेडार पर रहेगा ही, हाँ। लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है, स्पेशली जब से कंपनी ने अपनी XUV 300 को रीब्रांड करके 3XO के नाम से लॉन्च किया है। रजिस्ट्रेशंस दरअसल मई 15 यानी कि कल खुले 10 बजे के आसपास, और अब तक एक घंटे में जो अपडेट कंपनी ने शेयर किया है कल शाम को प्रेस रिलीज में, 50,000 गाड़ियों की बुकिंग एक घंटे में होती हुई दिखाई दी है। तो लगभग 10,000 व्हीकल्स कंपनी ने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इनकी करीब 9,000 गाड़ियां प्रति महीने की सेटअप है। डिलीवरी शुरू होंगी 26 मई ऑनवर्ड्स। तो ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला मामला था, लेकिन जिसने पहले बुक की उसके हाथ में वो डिलीवरी आती हुई दिखाई देगी। तो ये इनफैक्ट लॉन्च नई रीवैम्प्ड व्हीकल का दरअसल एक ड्राइवर रहा था इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, और आज वैसे भी नंबर्स आने वाले हैं तो उस लिहाज से भी स्टॉक रेडार पर रहेगा। और नंबर्स आ जाएंगे दिन दहाड़े, 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो शायद 1 से 2 के बीच में कहीं वो रिजल्ट्स महिंद्रा एंड महिंद्रा के आ रहे होंगे दोपहर में। ये बुकिंग का तगड़ा रिस्पांस, पहले घंटे में 50,000, तो गाबा साहब जो अपन ने प्री बुक कर रखी थी इस 50,000 में अपना नंबर लग गया कि नहीं लगा? डिजास्टर है। मैंने प्री बुक की थी, कल मुझे NBS महिंद्रा का फोन आया 10:42 को, पूछ रहे थे कलर कौन सा बुक करना है। मतलब मैंने तो फर्स्ट के लिए किया था ताकि जल्दी जल्दी मिल जाए। ये आज सुबह तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया कि मेरी गाड़ी बुक हुई है या नहीं। आई थिंक महिंद्रा को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। फास्टेस्ट फिंगर फॉरवर्ड, आपने कहा था जो कलर मिले सबसे पहले मुझे दे दो, ऐसा कलर चॉइस नहीं दिया आपने? ब्लू कलर बुक किया था मैंने, तो उसके बाद बोलते हैं हमको पता है कंफर्मेशन चाहिए 10:42, ऐसे मुझे तो 10 बजे करना था, हां करना तो मैं खुद कर लेता, लेकिन नहीं हुआ बुकिंग। अभी तक कोई कंफर्मेशन मेरी लाइन पे है या नहीं मुझे पता नहीं, शायद मैं 50,000 में भी नहीं हूं। अंदर के डिसअपॉइंटमेंट से चार्ट पे कोई असर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है जान लेते हैं। कल तक तो स्ट्रेंथ नजर आ रही थी गाबा सर को महिंद्रा एंड महिंद्रा में। गाबा सर, आज नतीजे आने उससे पहले कैसा लग रहा है? अब क्या मुझे बुरा लग रहा है कि बिल्कुल बड़ी नहीं है? अच्छा, नतीजे तो अच्छे आएंगे, स्टॉक तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, विद मी और विदाउट मी। नहीं, नतीजे अच्छे आने की एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है, फीके नतीजे आने की एक्सपेक्टेशन, लेकिन स्टॉक ऊपर जा रहा है ये तो बात अलग है। बढ़िया तेजी में, क्योंकि इसकी अब होप्स लाइट कर रही, जैसे आप चर्चा हुई थी ट्रैक्टर सेल्स अब इंप्रूव हो शायद, क्योंकि अभी तक तो बड़ा मिक्स में रिडक्शन है ट्रैक्टर सेल्स के, और ये इनके लिए रियलाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एक सिंपल लाइफ का रूल है, हाँ। जो चीज़ कस्टमर के लिए ख़राब है वो स्टॉक के लिए अच्छी है। मतलब अगर कस्टमर इतना वो है कि नहीं मिल रही है उसको, तो मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है। सिंपल एक रीज़न और हो सकता है, वो परसों वाले कमाई का अड्डा गाबा साहब अपन कर रहे थे, तो शायद महिंद्रा ने सुन लिया आप इसको छोड़ के किसी और के साथ जाने का मन बना रहे हो, इसीलिए बुकिंग रोक दी है गुस्से। वो गाड़ी मेरे जगह पे फिट नहीं होगी, दैट्स फॉर श्योर। मेरी पार्किंग मैंने चेक कर ली, उधर फिट नहीं होगी, दैट्स आउट। अच्छा ठीक है, मैंने मेजर भी कर लिया, मेजरमेंट डैमेज, वो नहीं होगी फिट, दैट्स आउट। अभी हम गाड़ी अच्छी है वो सोचने ले रहे हैं, गाड़ी नहीं अभी देखना पड़ता है हमारा स्पेस कितनी है, उसके हिसाब से कौन सी गाड़ी फिट होती है। वहां पर मारुति 800 होगी तो मारुति 800 होगी, चाहे आपको कोई भी गाड़ी पसंद हो, तो स्पेस देखना बहुत जरूरी है। इसका पहले मुझे अंदाजा नहीं था। ट्रू, मुंबई में ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं। अभी सिप्ला की चर्चा, और सिप्ला के लिए गौरांग सर आपके पास आता हूँ पहले, तो फिर चार्ट्स पे मानस आपके पास आऊँगा। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं उस लास्ट ट्रेड के कल के? कल दरअसल जैसे हम मेंशन कर भी रहे थे कि बहुत तगड़ी डिमांड थी, और हाथों हाथ दरअसल उस स्टॉक को लिया गया जो प्रमोटर्स ने ऑफलोड किया। अब नाम सामने आ गए हैं, रुमाना हमीद ने करीब 49 लाख शेयर बेचे, विच इज़ इक्वलेंट टू 0.61% हिस्सा, 1% की हिस्सेदारी समीना हमीद ने बेची अपने 89 लाख शेयर्स ऑफलोड करके। शरीन हमीद ने भी करीब 63 लाख शेयर बेचे, 0.78% की हिस्सेदारी, और ओकासा फार्मा जो प्रमोट एंटिटी है उन्होंने करीब 1.89 लाख शेयर बेचे हैं। अब ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने नियरली 0.5% से ज़्यादा का स्टेक लिया, 55 लाख शेयरों की खरीदारी उनकी तरफ से हुई थी। AB सनलाइफ म्यूचुअल फंड ने करीब 23 लाख शेयर खरीदे, और कुछ और दूसरे यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने भी माल लिया है। तो बेसिकली कल जो हम कह रहे थे कि डिमांड अच्छी है, एक बड़ा चंक क्लियरली वो म्यूचुअल फंड्स उठाते हुए दिखाई दिए हैं। ये कहानी है भाई साहब कल सिप्ला, किसने बेचा है तो पता चल गया था, CNBC वाले की एक्सक्लूसिव बता रही थी। लार्जली म्यूचुअल फंड फ्लश है पैसे से, सामने हाथों हाथ वो लास्ट ब्लॉक विंडो में पूरा ट्रांजैक्शन कंज्यूमेट हुआ था। गौरांग सर, अब ये
सिप्ला 1400 पे कैसा लग रहा है आपको? प्रमोटर्स पहले तो बेचने का मन बना रहे थे, अब वो पीसमील तरीके से बाजार में माल छोड़ना पड़ रहा है। स्टॉक कैसा है, लोगे आप क्या? देखिए प्रमोटर अनेक कारणों को लेकर के या तो किश्त में या फिर एक अच्छा खासा हिस्सा बाजार में उतारते हैं, वो मेरे ख्याल से शेयर के ऊपर उसी तरीके से प्रक्रिया होती है जिस मूल्यांकन पर ये हिस्सेदारी बेची जाती है। लेकिन इसको परे रख के अगर मैं बुनियादी तर्क की बात करूं तो काफी लंबे समय से सिप्ला सबसे पहले श्रेणी में आता है जहां तक फार्मा क्षेत्र में खरीदारी की हमारी जो संख्या है अलग अलग कंपनियों की, ये पहले तीन में या पहले चार में आता है, पहली बात। दूसरी बात, नतीजों को देखते हुए और जो आने वाले समय में स्थानीय मार्केट में तो बहुत बड़ा मौका मिलेगा, लेकिन विदेशी बाजारों में जो मौका मिलेगा उसको लेकर के काफी उत्साहित है हम। लॉन्चेस को लेकर के, ड्रग साइज को लेकर के डॉलर टर्म्स में या फिर मूल्यांकन में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होगी। और एक बात काफी समय से ऐतिहासिक रही है आशीष, और वो है हमारा भारत वर्ष जो है वो पूरी दुनिया के लिए दवाई की दुकान है, सो इट्स द फार्मेसी टू द वर्ल्ड, और ये वास्तविकता कोई बदल नहीं सकता। मानस क्विकली सिप्ला चार्ट्स पे देखिए, रेजिस्टेंस है 1440 पे, तो उसके ऊपर ही खरीदारी करेंगे, 1440 से पहले खरीदारी नहीं करेंगे। और नीचे की तरफ 1340 पे एक सपोर्ट दिखता है, तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1340 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय 1440 के ऊपर होगी। और अगर वो लेवल्स ब्रीच होते हैं तो 1510 तक इस तरह आपको देखने को मिल सकता है सिप्ला। अच्छा, कल की दोनों लिस्टिंग्स में भी लार्ज ट्रेड हुए। आधार हाउसिंग फाइनेंस में आकाश भंसाली ने 22 लाख शेयर्स और ब्लू डायमंड प्रॉपर्टीज ने 23 लाख शेयर्स लिए, शायद भंसाली की एक एंटिटी है। टीबीओ टेक जो दूसरी लिस्टिंग हुई थी उसमें गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने 8.5 लाख शेयर, वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने ऑलमोस्ट 6 लाख शेयर, गोल्डमन सैक्स ने 6.5 लाख और नोमुरा ने 6 लाख शेयर खरीदे। बाजार खुलने के बाद लिस्टिंग के दिन इनकी तरफ से बाइंग हुई, इसीलिए स्टॉक ऐसे तना हुआ नजर आया। वेदांता रडार रखिएगा, आज इंटरिम डिविडेंड प्लस फंड रेजिंग पर ऑल इंपॉर्टेंट मीट सामने खड़ी है। खैर, अब इलेक्शन सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहा हूं क्विकली। रचना जी, क्या चुन के लाएंगे हमारे लिए? जी, हम जहां तक इलेक्शन सिलेक्शन की बात है तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के ड्यूरिंग एंड ऑल दोस पीरियड्स में आवर इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो एक्सपोनेंशियली एंड सो इज गोइंग टू ग्रो मार्केट। तो अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो करने वाली है तो जैसे पिछली बार हमने बात किया था कि इंफ्रा के बिना ग्रोथ नहीं है, तो हमने पिछली बार L&T चुना था। उसी तरीके से अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो बैंकिंग सिस्टम के बिना ग्रोथ नहीं है, तो बैंकिंग सिस्टम के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और हमेशा पड़ेगी। तो आज का जो हमारा स्टॉक है वो बैंकिंग से है, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ में बैंकिंग का एक रोल होता है, और हमारा काउंटर जो है दैट इज ICICI बैंक, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट भी अच्छे आए थे और काउंटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हम ICICI बैंक को चूज करेंगे। यहाँ पे हम इस काउंटर को लॉन्ग करेंगे फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव एज वेल, और SL लगाएंगे 1050 पे। ये SL जो है ये वीकली क्लोजिंग बेसिस पे रहना चाहिए, और 1050 के SL के साथ अगर हम यहाँ पे टारगेट देखें तो 1200 का और 1250 का ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 months बन सकता है टारगेट। सो 1050 SL एंड 1200 एंड 1250 का टारगेट। परफेक्ट, करांग सर।